देवास के एक कॉलोनाइजर की करीब 1 करोड़ रुपए की वॉल्वो कार को धोखाधड़ी कर हेराफेरी करने के मामले में जेल जा चुके राकेश राजपाल को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। वॉल्वो कार के बारे में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है कि वह मुंबई के चेंबूर स्थित ह्युंडई शोरूम की पार्किंग से जब्त हुई है। राजपाल टोयोटा के पूर्व डायरेक्टर राकेश राजपाल को पिछले दिनों देवास की बीएनपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले में देवीकुलम कॉलोनी के कॉलोनाइजर अनुराग सुरेखा ने दिसंबर 2017 में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। दरअसल सुरेखा की वॉल्वो कार सर्विस के लिए राजपाल के माध्यम से एक व्यक्ति लेकर गया था, जिसके बाद से कार रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। जांच में जुटी बीएनपी पुलिस ने मुखबिरों को एक्टिव किया और करीब 1.5 महीने की मेहनत के बाद कार को मुंबई के चेंबूर इलाके में स्थित ह्युंडई कार शोरूम की पार्किंग से जब्त किया था। कार पर महाराष्ट्र की नंबर प्लेट लगी थी, जिसे इंजन और चैटिस नंबर के आधार पर कार को जब्त कर देवास लाया गया। बाद में इस मामले में आरोपी राकेश राजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन की रिमांड के बाद राजपाल को जेल भेज दिया गया। टीआई उमराव सिंह ने बताया, अनुराग सुरेखा ने 2016 में यह कार खरीदी थी। अक्टूबर 2017 में कार खराब होने पर सुधार के लिए इंदौर के साई साक्षी ऑटोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड को दी थी। बाद में उन्हें कार वापस नहीं मिली, जिसको लेकर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का केस दर्ज करवाया गया था। 420 406 120 भी आईपीसी का प्रकरण पंजीकृत था, जिसमें आरोपी राकेश राजपाल को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड भी लिया गया था। उसके बाद प्रकरण विवेचना में है, वर्तमान में वो जिला जेल राजौदा में है। कार तो चेंबूर मुंबई से हुई थी, आर स्क्वायर कोई शोरूम है, उसकी पार्किंग में खड़ी थी, वहां से लाए थे हम लोग। पुलिस सूत्रों की माने तो मुंबई के जिस शोरूम की पार्किंग से कार जब्त हुई है, उससे कहीं ना कहीं राकेश राजपाल का नाता है, जिसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। मुंबई के शोरूम के तार इंदौर के लोगों से जुड़े हो सकते हैं, हालांकि फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है।